नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के थाना मुबारकपुर की पुलिस ने दो अंतर जनपदीय चोर को किया गिरफ्तार और साथ ही साथ 10 टायर ट्रक जिसकी कीमत लगभग 20 लाख भी किया बरामद। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे वांछित वारंटी गिरफ्तार के अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजकुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा धरातली एवं इलेक्ट्रॉनिक अभिसूचना संकलन की कार्रवाई के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि जो ट्रक चोरी हुआ है वह इस समय खुजिया बाजार में भगवानपुर जाने वाले रास्ते पर खड़ा है। सूचना पर पुलिस फोर्स जैसे ही खुजिया बाजार में पहुंची तो देखा कि चोरी की ट्रक खड़ी है जिसमें दो व्यक्ति मौजूद मिले कि पुलिस फोर्स को देखते ही भागने का प्रयास किए कि पुलिस बल द्वारा घेर कर दौड़ा कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम त्रिलोकी यादव पुत्र विनोद कुमार यादव निवासी नईगंज बाजार थाना कोतवाली जनपद मऊ व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजू उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र बाबू खान निवासी नईगंज बाजार कोतवाली जनपद मऊ व अभियुक्तगढ़ के कब्जे से चोरी की ट्रक के बाद होने की तस्दीक बरामद कर अभियुक्तगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताते हुए 5 नवंबर 2022 को समय करीब 11:30 पर हिरासत पुलिस में लिया गया। संवाददाता न्यूज 9 भारत से अमित तिवारी की रिपोर्ट। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।